एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे ही होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों का आज पेपर है 23 अक्टूबर को, ठीक है, आईटीआई वालों का है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप लोगों का फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों का, तो वो लोग गए हुए, हमारे मेंबर्स भी गए हुए हैं, बाकी सब्सक्राइबर गए हुए हैं। तो भाई आप लोग ज़रूर रिव्यू देना किस तरीके से, क्योंकि चैनल पे तो मैंने बहुत कमी कराया है। और ये वीडियो जो होने वाली है वो मनुगुरु में क्या हुआ था, मेडिकल टेस्ट में प्लांट ऑपरेटर वालों को, और किस तरीके से कैंडिडेट्स को निकाला जा रहा है ना, और सारा कुछ प्रोसेस जानेंगे। उसमें मैंने एक भाई से कॉल पर बात की है, ठीक है, अपने ही दोस्त से, तो वहाँ का सारा उन्होंने बताया ज्वाइनिंग के टाइम का क्या क्या रहा था और क्या हो रहा है अभी मनुगुरु तेलंगाना में, ठीक है। क्योंकि बार्क ने जो एग्ज़ाम कराया था पिछली साल 23 नवंबर को, ठीक है, तो उसकी जो ज्वाइनिंग है इनकी 18 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। 18 अक्टूबर को इन लोगों को बुलाया गया था, मेडिकल वगैरह हुआ है, उसके बाद में किन लोगों को मेडिकल में निकाला है, ठीक है, और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगी। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हाँ गाइस, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का, और आगे ही ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और हमेशा हमारे चैनल पर आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो पहले जाकर आप लोग उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, फिर मैं आता हूँ दोबारा से, ठीक है। हुआ था स्टार्टिंग में वहाँ पर, जैसे हम लोगों को बुलाया गया रोज, है ना कि अच्छा तुम पोस्ट बता दो पहले अपने, बार्क से हुआ है, बीआरसी से प्लांट ऑपरेटर पोस्ट है, मनुगुरु मिला है। अच्छा मनुगुरु मिला है, तो तुम्हारा मार्क्स कितने थे तुम्हारे फर्स्ट में सेकंड में? 114 मार्क्स थे। अच्छा 114, यस। 114 थे सेकंड स्टेज में? जी। और फर्स्ट में कितने थे? फर्स्ट में 107 107 107। अच्छा ठीक है, कट ऑफ तो 91 गई थी, है ना, बार की। चलो सही है, तो तुम्हारा तो साइंटिफिक असिस्टेंट में भी हुआ है। हाँ, वो अलग है, वो उसका भी आया नहीं है प्रॉपर मेल। अच्छा उसका नहीं आया, तो अभी प्लांट ऑपरेटर ज्वाइन कर रहे हो तुम, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग ली है वहाँ पर अभी आपके साथ? यहाँ क्या हुआ है कि मनुगुरु में 107 कैंडिडेट को बुलाया गया था। हाँ ठीक है, लेकिन 90 लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर को वापस भेजा था। अच्छा, तो 90 में से अभी करीबन 6-7 अनुपस्थित थे, तो करीबन 80 मतलब 80 या 70 बच्चे ही आएंगे यहाँ पर, ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि काफी बच्चे आएंगे नहीं, और 3 बच्चों को मेडिकल में निकाला है। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या क्या टेस्टिंग हुई थी मेडिकल में वहाँ पर बार में? सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर यूरिन टेस्ट, बीपी, हाइट, वेट, आई विजन, मेनली इन लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस उनको भी बाहर निकाला है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा ले रहे हैं क्या, मतलब इतना डीपली टेस्ट कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस को इन्होंने हेड वाटर बोर्ड में अगर किसी की लग रही है ना जॉब, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस में बाहर निकाला जाएगा। अच्छा अच्छा, ये कंफर्म है ये तो, और अभी 6 महीने ट्रेनिंग ही हो रही है, कंफर्म न्यूज है ये भी। अच्छा, और 6 महीने बाद क्या होगा हमारी परफॉर्मेंस, क्या कहते हैं इसमें, मेट वेट तो आपका तो मतलब 2 साल का होता है कि? अच्छा, HWV का अलग है? इनमें BRC का सिस्टम ये है कि 2 साल की ट्रेनिंग होती है, परंतु 6 महीने होती है क्लासरूम ट्रेनिंग। हाँ ठीक है, तो क्लासरूम ट्रेनिंग हो रही है हमारी मनुगुरु में, ठीक है। उसके बाद? उसके बाद हमें चॉइस मिलेगी, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ना, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जिनको रैंक आएगी टेस्टों में, उनको 10 या 20 कैंडिडेटों को अपनी मनपसंद चॉइस मिलेगी कि तुम्हें कहाँ जाना है। अच्छा अच्छा, तो तुम राजस्थान ही आ जाना ना हैवी वाटर बोर्ड में। यहाँ हम जो 80 बच्चे जो अभी आए हुए हैं ना, हाँ, उनमें से 60 बच्चे राजस्थान के हैं। अरे यार, मतलब राजस्थान क्या है, राजस्थान को DA ही चाहिए सबको। और काकरापारा में, और जो यहाँ रैंक 1 रैंक 2 जिन बच्चों की है ना, हाँ, वो यही है, और काकरापारा में जिनकी रैंक 1 रैंक 2 है ना, वो मेरे साथ हैं। तारापुर में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं, 34 35, वो मेरे साथ बैठे हैं। तो ये बताओ काकरापारा वाले क्यों जा रहे हैं वहाँ पर भाई? क्योंकि अभी तक उधर ज्वाइनिंग नहीं आई है। हाँ वो तो मुझे पता है, अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है काकरापारा ने, तो ये लोग फिर जिस दिन ज्वाइनिंग आएगी उधर इधर छोड़ देंगे वो लोग। अच्छा, इधर से छोड़ के उधर चले जाएंगे, बहुत बढ़िया, मतलब सीट खराब करनी है किसी दूसरे की, बिल्कुल खराब करनी है। और भाई इन जितने हमारे 60 कैंडिडेट राजस्थान के हैं ना, उनमें से ये मान लो कि 15 से 20 बच्चों का तो 100 सेकंड कहीं कहीं हो रहा है, किसी का SSB में हो रहा है, किसी की कहाँ हो रहा है, किसी का काकरापारा में हो रहा है, किसी का तारापुर में हो रहा है।
इंतजार कर रहे मतलब हैं इधर कलर का। ब्लाइंडनेस में ही निकाल रहे हैं हाँ ओनली मेनली। ब्लाइंड ब्लाइंडनेस, और शायद चश्मे की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुद की माइनस 2.5 चश्मा है मेरे भी, अच्छा, तो सब और चेकअप वगैरह हुए थे कुछ? नॉर्मल है, बाकी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सब कि जाओ मस्त रहो, अच्छा, फॉर्मल फॉरी फॉर्मल सब नॉर्मल। बिल्कुल फॉर्मल था। चलो हाँ तो गाइस, आप लोगों ने जैसा कि रिकॉर्डिंग को सुन लिया होगा, ठीक है, ये भाई है मेरा ही दोस्त, काफी पुराना। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि वहां पर मनुगुरु में 138 मार्क्स रिकॉर्डिंग में आया है या नहीं पता नहीं, 138 मार्क्स जिसके थे उनको मेडिकल में निकाला गया है कलर ब्लाइंडनेस में। करीब 3 से 4 लोगों को कलर ब्लाइंडनेस में निकाला गया है। इनकी बार की तरफ से हैवी वाटर बोर्ड में ज्वाइनिंग हुई है मनुगुरु तेलंगाना में, जहां टोटल 107 कैंडिडेट को बुलाया गया था और वहां पर 80 के समथिंग कैंडिडेट्स पहुंचे हैं, ठीक है, जिसमें के बता रहे हैं ये 60 कैंडिडेट्स टोटली राजस्थान से हैं। और राजस्थान वालों की एक खासियत है, वो लोग चाहते हैं कि हमको रावत बाटा ही मिले। रावत बाटा में हैवी वाटर बोर्ड भी है, एनएफसी भी है और एनपीसीआईएल भी है, ठीक है। तो और इन्होंने एक और चीज़ बताई कि यहाँ पर जिनके तारापुर में हाईएस्ट मार्क्स हैं यानी 138 प्लस हैं, वो लोग भी उन्हीं के साथ ज्वाइनिंग ले लिए। जो लोग काकरापारा में टॉपर हैं जिनके अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो लोग भी वहां पर ज्वाइनिंग ले लिए, यानी टॉपर्स लगभग ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ठीक है। और बता रहे थे 25 से 30 कैंडिडेट, मतलब 15-20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी में सिलेक्शन हो रखा है। तो भाई वेटिंग लिस्ट बार की आएगी और 100% आएगी, लेकिन कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि जब कट ऑफ उसकी 91 जा सकती है तो मान लीजिए कि वेटिंग में तो और कमी जाएगी ना भाई, है ना। तो और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस दिन टॉपर से भी बात की थी, हाँ, जो वहाँ के टॉपर है, उन्होंने अपना पूरा गाइडेंस बताया और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। जो राजस्थान वाले, मतलब भाई अब मैं जो है एनपीसीएल नरोरा के बाद में सीधा मोड़ ले लूँगा रावतबाटा की तरफ और एनएफएल की तरफ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना, आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जितने भी बार्क में ज्वाइनिंग ले रहे हैं इनका पहले ना कहीं सिलेक्शन हो रखा है, अब वो वहाँ लेंगे या बार्क में ही रहेंगे तो ये तो डिपेंड करता उनके ऊपर, ठीक है, किस तरीके की उनको फैसिलिटी वगैरह मिली जाती है। क्योंकि वार्क से ज़्यादा एनपीसीएल में फैसिलिटी है, तो सबसे ज़्यादा लोग एनपीसीएल को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। और एक एक अपडेट आती रहेगी, अब रावत वाटा की भी 27 तारीख से कंटिन्यू अपडेट आएंगी, ठीक है। तो वेट कीजिए 27 अक्टूबर का। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का 10K सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।